कई मंत्री रिजॉर्ट से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हैं। जिला कलेक्टर्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा बने हैं। 21 जून से जागरूकता अभियान पर चर्चा कर रहे हैं सीएम और प्रदेश में कोरोना के हालातों पर ले रहे हैं फीडबैक। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना के हालातों की समीक्षा ले रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं कोरोना के मामलों का। मुख्यमंत्री आवास से सीएम गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं और मंत्री रघु शर्मा और कोर ग्रुप के अधिकारी सीएम आवास पर मौजूद हैं। कई मंत्री रिजॉर्ट से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा बने हैं और जिला कलेक्टर्स भी इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए हैं। 21 जून से जागरूकता अभियान पर चर्चा कर रहे हैं सीएम। आपको बता दें इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना के हालातों पर फीडबैक ले रहे हैं। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुशांत। सुशांत, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या हो रहा है? देखिए, एक तो प्रदेश के हालातों की समीक्षा सीएम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामले जो बढ़े हैं उसकी वजह क्या रही है, क्या जिला स्तर पे या उपखंड स्तर पे किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, साथ ही चिकित्सा विभाग और कोर ग्रुप के अधिकारियों का जो फीडबैक है प्रदेश के अलग अलग इलाकों से उसको लेकर मंथन हो रहा है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 21 जून से 30 जून तक राजस्थान में कोरोना संक्रमण को लेकर हेल्थ प्रोटोकॉल के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू हो रहा है और सीएम इसी मकसद के साथ आज मिट्टी में मंत्रियों को, जिला कलेक्टर को, पुलिस अधिकारियों को जोड़ा है और इसमें राजस्थान सरकार के कर्मचारी, जनप्रतिनिधि घर घर जाकर लोगों को अवेयर करने का काम करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण काम राज्यसभा चुनाव के वोटिंग के एक दिन बाद जो है ये अभियान प्रदेश में शुरू होगा और इसके जरिए लोगों को हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करवाने के लिए अवेयर किया जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में सीएम कुछ कहते हैं कि कोरोना के साथ हमें जीने की आदत डालनी होगी। ऐसे में हम उनके साथ कैसे डील करें इस महामारी से, कैसे खुद को और उसके परिवार को सेफ रखें, इस बारे में कलेक्टरों को और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी अभी सुशांत से हमने जाना कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अधिकारी सीएम आवास पर मौजूद हैं और क्या बातचीत हो रही है और कोरोना से जुड़ी चर्चा यहां पर की जा रही है। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या आज बढ़कर 13,000